सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सोलन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सोलन वासियों को खाद्य वस्तुएं स्वच्छ और शुद्ध मिले, उनमें किसी तरह की मिलावट ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। विभाग द्वारा समय समय पर व्यावसायिक संस्थानों के औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। अगर विभाग को खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता पर थोड़ा भी शक लगता है तो विभाग उनके सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजता है। सैंपल में अगर किसी तरह की त्रुटि आती है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने दी। खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन में अगस्त माह में 20 सैंपल भरे गए, जिसमें से 3 सरकारी दुकानों के हैं। इन दुकानों से आटा, नमक और तेल के सैंपल भरे गए हैं। वहीं 17 सैंपल आम दुकानों से भरे गए हैं। इन व्यावसायिक संस्थानों से दूध, चाय और तेल के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपल्स को प्रयोगशाला भेज दिया गया है। रिपोर्ट अगर गलत निकलती है तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगस्त महीने में एक तो FSSAI ने बूस्ट सेफ ऑयल एक सर्विलांस सैंपल के लिए एक अभियान पूरे देश में स्टार्ट किया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश में भी 25th और 26th अगस्त को जो भी एडिबल ऑयल हैं उनके सैंपल एनालिसिस के लिए एज ए सर्वे सैंपल जितने भी ब्रांड के जो लोकल ब्रांड है प्रेफरली हमने उनको टेस्ट करना था कि वो एज पर FSSAI ने जो नॉर्म्स है उस पर वो खरे उतर रहे हैं नहीं। इसलिए सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी हमने 8 ऐसे एडिबल ऑयल्स के सैंपल लेके NABL एक्रीडिटेड लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भेजे हैं और उसकी एनालिसिस जो फीस है वो भी FSSAI पे करेगी। उसके अलावा जो इन्फोर्समेंट सैंपल की हम बात करें तो इन्फोर्समेंट सैंपल में 20 सैंपल सोलन डिस्ट्रिक्ट में अगस्त में हमने लिफ्ट किए हैं, जो कि उसमें से 3 सैंपल हमने जो PDS की सप्लाई है वो आती है, उसमें आटा, नमक और मस्टर्ड ऑयल का सैंपल PDS की सप्लाई से लिया हुआ है और उसके अलावा 17 सैंपल हमने दुकानों से लिए हैं जो डिफरेंट फूड आर्टिकल के, जैसे चाय, दूध और इस तरह से जो भी एडिबल आइटम्स बाजार में बिकती हैं और जिसमें ये संदेह रहता है कि इसमें गुणवत्ता में कुछ कमी हो सकती है, तो वो सारे सैंपल एनालिसिस के लिए भेजे हैं। और जो हमारे पास रिपोर्ट्स रिसीव हो गई थी 9 रिपोर्ट जिसमें सैंपल फेल पाए गए थे, उसमें सैंक्शन देके एडजुकेशन के लिए 9 केस ADM कोर्ट में हमने एडजुकेशन के लिए पेश किए हैं, तो 9 केस वो लग गए हैं। बाकी जो सैंपल है इनकी जो भी रिपोर्ट आएगी, जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बेस पर आगामी कार्रवाई करेंगे।